नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, मैं बीएड की क्लास ले रहा हूं और पहले के वीडियो में मैंने सीसी वन कोर्स जो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक यूनिट पूरा हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। अब हम दोस्तों आते हैं सीसी टू नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। ये हमारा सीसी टू कोर्स है जो कि 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का, 60 मार्क्स का लिखित होगा, 40 मार्क्स कॉलेज में आएंगे, ये सबको पता है। और इसमें मॉड्यूल वन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड इट्स रिलेशन टू एजुकेशन, ज्ञान को समझना और शिक्षा से उसका संबंध, ये मॉड्यूल है, चैप्टर का नाम है। यूनिट वन में, जिसमें यूनिट वन है पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, ज्ञान और शिक्षा का परिपेक्ष क्या होता है, और इसके अंतर्गत पहला जो है पॉइंट नॉलेज है, ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ और विशेषताएं, और आज के वीडियो में दोस्तों हम अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। यदि शिक्षक के अंदर ज्ञान होगा तभी वो बच्चों को सिखा सकता है। अगर शिक्षक के अंदर ज्ञान नहीं है, शिक्षक के अंदर जानकारी नहीं है, शिक्षक के अंदर योग्यता नहीं है, तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा शिक्षक। इसलिए शिक्षक ज्ञान से भरपूर लबरेज होना चाहिए। शिक्षक जब ज्ञानी होगा तभी वो बच्चों को अच्छी तरीके से उसका मार्गदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों पहले ज्ञान के अर्थ के विषय में समझेंगे कि पाश्चात्य विचारकों ने क्या कहा है उसके विषय में और भारतीय विचारकों ने क्या कहा है, उससे हम ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी ज्ञान मीमांसा के अनुसार न्यायोचित सत्य विश्वास, ये पश्चिमी ज्ञान मीमांसा में ये शब्द दिया गया है, इंग्लिश में दिया है, उसे हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। विश्वास सत्य होना चाहिए और सच्चाई उचित होनी चाहिए। जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो सच होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और उस पर लोगों का विश्वास अटल होना चाहिए। सत्य के प्रति व्यक्तिगत विश्वास को न्याय संगत बनाने के लिए एक गतिशील मानवीय प्रक्रिया को हम ज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। ये पश्चिमी ज्ञान मीमांसा के अनुसार ये इसकी परिभाषा होती है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द, जैसे पश्चिमी ज्ञान मीमांसा में यह शब्द दिया गया है, तो इसमें हम अपने से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। बच्चों अगर आप इन्वर्टेड कॉमा देते हो, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब यही होता है कि आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अब रटने की भाषा, अब रटने की बात आती है कि कहाँ रटना है मैं खुद बताऊंगा और कहाँ नहीं रटना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन परिभाषा में आप एक शब्द भी इधर से उधर नहीं कर सकते। यदि आपको परिभाषा याद नहीं होती कोई बात नहीं, आप इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए। ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसे मत लगाइए। अगर आपको बराबर सही तरीके से परिभाषा याद है तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए और क्लोज करिए, वरना आप नाम लिखिए और सीधा लिख दीजिए जो आपको याद है उस समय। तो आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा है पीटर ड्रॉकर, 1993 में उन्होंने परिभाषा दी थी कि ज्ञान आज एकमात्र सार्थक संसाधन है, ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान एक संसाधन, सार्थक संसाधन है, ये कहना था पीटर ड्रॉकर 1993 में। अगला है दोस्तों हंट 2003 के अनुसार क्या होता है कि ज्ञान को अक्सर एक ऐसी मान्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सही और उचित है। सही है, उचित है, वही ज्ञान है, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। आगे ये तो हो गए पाश्चात्य विचारक। आगे भारतीय विचारकों ने क्या विचार प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार यह सभ्यता द्वारा संरक्षित जानकारी का कुल योग है। सभ्यता और संस्कृति से अर्जित ज्ञान और उसकी संरक्षित जो इतिहास में दर्ज है उसे परंपरागत तौर से आगे उस ज्ञान को बढ़ाया जाता है।
डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार ये होगा कि यह सभ्यता द्वारा संरक्षित जानकारी का कुल योग ज्ञान है। आगे दोस्तों डॉक्टर सेरा कहते हैं, डॉक्टर सेरा के अनुसार ज्ञान बौद्धिक प्रणाली के माध्यम से फिल्टर की गई प्रक्रिया का प्रमाण परिणाम है। ज्ञान बौद्धिक प्रणाली के माध्यम से फिल्टर की गई प्रक्रिया का परिणाम है। बहुत सा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसे जब तक व्यवस्थित कैटेगराइज नहीं कर दिया जाता है तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है, सब मिक्सअप होने लगता है। इसलिए डॉक्टर सेरा ने कहा है कि ज्ञान बौद्धिक प्रणाली के माध्यम से जो विद्वज्जन है, जो एक्सपर्ट है, उनके माध्यम से फिल्टर की गई एक प्रक्रिया के अनुसार कॉन्स्टेंट एक उसकी ज्ञान प्राप्त होता है, उसका वो परिणाम है। दोस्तों आगे ज्ञान को समझने के लिए एक डायग्राम दिया गया है जिसे ज्ञान चक्र कहा जा सकता है। कि ज्ञान पहले भाषा के रूप में उसको आंकड़े में व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद उसे सूचना तंत्र में लाया जाता है, सूचना को एकत्रित किया जाता है, सूचना का उपयोग किया जाता है, फिर विद्वज्जनों द्वारा निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने के पश्चात जो आयोजन होता है उस आयोजन का भी डाटा तैयार किया जाता है, और उस आयोजन में जो निष्कर्ष निकल के आता है उसे वापस आंकड़ों में संग्रहित कर लिया जाता है, और फिर ये एक चक्र के रूप में चलता रहता है। आंकड़े फिर सूचना तंत्र में संग्रहित होते हैं, सूचना तंत्र से सूचना ग्रहण की जाती है, उस सूचना का उपयोग किया जाता है, फिर उस सूचना के उपयोग करने के बाद उसमें निर्णय लिया जाता है, और निर्णय के बाद आयोजन किया जाता है, आयोजन से जो निष्कर्ष निकलता है फिर वो आंकड़ों में परिवर्तित होता है। इस प्रकार ज्ञान का चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ज्ञान का अर्थ क्या है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ज्ञान की विशेषताओं के संदर्भ में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों जो अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं कृपया सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।